हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है कि इस समय आप सभी लोग केवल एक काम कर रहे हैं और वह है आपके अपने इवेंट सेमेस्टर के रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। लेकिन डियर फ्रेंड्स, मैं आपको स्ट्रिक्टली ये बता दूं, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आप सभी लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिन से लेकर के रात तक केवल एक ही काम बचा है, इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। अपने ऑड सेमेस्टर पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि BTE रिजल्ट देने में लेट कर सकता है, लेकिन एग्जाम लेने में लेट नहीं करेगा। ऑड सेमेस्टर का जो एग्जाम है ना, वो निर्धारित समय पर ही होगा, जो कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने अपने ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको एडवाइस देता हूं, आपको सजेशन देता हूं कि अपने ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब हमारे इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तब हम अपने ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आप सभी लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से हमारी बात को सुनिए और समझिए और अपने ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपके अपने चैनल DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर मैं ऑड सेमेस्टर मीन्स अप्लाइड मैथ 3rd की क्लास चला रहा हूँ, लेकिन उसमें जब आप सभी लोगों की स्ट्रेंथ देता हूँ, आप सभी लोगों का जो प्रेजेंट उसमें देखता हूँ, वो बहुत ही लो चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि क्लास को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। बड़े उत्साह से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, 2-3 दिन क्लास प्रोवाइड कराता हूँ, ना तो आप लाइव क्लास में आते हैं, ना तो आप बाद में देखते हैं आखिर चल क्या रहा है। तो मैं बाद में इसी एनालिसिस पे आकर के पहुंचता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि पहले हमारे इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए, तब हम ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, मैं भी वेट करता हूं, आपका वेट करता हूं, जब रिजल्ट आ जाएगा तभी हम क्लास को कंटिन्यू करोगे। ये कई बार मैं ये बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग ऐसे ही चल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। अगर आप कहो तो सुबह क्लास प्रोवाइड कराऊं, कहो तो शाम कराऊं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आप अपने ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को कंटिन्यू हमारे साथ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप वेट करना चाहते हो इवेंट सेमेस्टर का, तो ठीक है, बेस्ट है भाई, हम भी वेट करते हैं। जब आपके इवेंट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा तो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं करा जाएगा, डायरेक्ट चल करके एग्जाम दिया जाएगा, है ना? यही तो आप सभी लोग सोच रहे हो। अच्छा, इस बात का मुझे दुख नहीं है कि आप मेरे पास नहीं, आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो, मैं हर एक जगह चेक कर रहा हूं, तो सब जगह आपकी सिचुएशन यही चल रही है। सारे बच्चे एक क्वेश्चन, सर रिजल्ट कब आएगा? अपडेट आ रही है, कॉपी चेक हो चुकी है, रिजल्ट बन रहा है, सर्वर खराब चल रहा है, अपलोडिंग चल रही है, कल तक रिजल्ट आ जाएगा, 10 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। कहीं वो ट्वीट कर रहे हैं, कहीं वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चलो अभियान चलें। अरे यार, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप पढ़ोगे ना तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि BTE जो है ना, वो रिजल्ट देने में लेट कर सकता है, लेकिन एग्जाम लेने में लेट नहीं करेगा। एग्जाम आपका उसी समय होगा जिस समय होने वाला है, मींस ऑड सेमेस्टर का एग्जाम सेम टाइम पे होगा, इस रिजल्ट से उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एग्जाम तो अपने टाइम पे हो चुका है ना। तो इधर अगर आप लेट करें, अपना लॉस करें, तो दिक्कत है। हाँ, एक बात और है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं इनकी कॉलेज में क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी कॉलेज में उनकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मैं जान सकूं कि ये सिस्टम चल क्या रहा है यार, क्यों बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्यों अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है हम इवेंट सेमेस्टर में फेल हो जाएं, कि पहले देख लेना कि हम इवेंट में पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, तब और सेमेस्टर की प्रिपरेशन करें? तो यार बहुत ज्यादा होगा, क्या सब्जेक्ट में बैक आएगा, इतना ही तो होगा ना, बैक होगा तो आप बैक दीजिएगा। अभी से क्यों परेशान है मुझे बताइए, अभी से आप क्यों परेशान? अगर आप कहें, अगर आप सोचें, अगर आप चाहें फिर से आपकी कल से मैं ऑड सेमेस्टर की क्लास, थर्ड सेमेस्टर की क्लास मैथ की कंटिन्यू करूं, नहीं तो आप एकदम से ब्रेक कर दूं और जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं पढ़ाना शुरू करूं, मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में जब क्लास चलती है तो टीचर क्या चाहता है? स्टूडेंट्स का अटेंशन चाहता है, स्टूडेंट्स का अटेंशन ही रहेगा तो इतनी मेहनत करके मैं क्यों पढ़ाऊंगा। प्रीवियस 3-4 लेक्चर, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो प्रीवियस 3-4 लेक्चर उठा के देख लीजिए, जो मैंने आपको पार्शियल डिफरेंसेस का प्रीवियस 3-4 लेक्चर प्रोवाइड कराया, 3-4 को देख लीजिए, एक हफ्ते के ऊपर के भी लेक्चर देख लीजिए,
हजार व्यूज उसमें पार नहीं हुए, तो 1000 स्टूडेंट्स भी अगर लेक्चर को नहीं देख रहे हैं तो मैं आगे कैसे काम कर पाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, हमसे कोई कंप्लेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसका सुधार करने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इवन सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए तब मैं और सेमेस्टर की प्रिपरेशन करूंगा, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। आज से ही अपने और सेमेस्टर की प्रिपरेशन को जरूर से जरूर स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, आपको आने वाली भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं। मेरी बात को समझिए और सोचिए इस बारे में और अपने और सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं उस सभी चीजों पर ध्यान रखते हुए आपकी क्लास को कंटिन्यू करना चाहता हूं, जिससे क्लास कभी भी ब्रेक ना हो। अगर आप सभी लोग रेगुलर रहते ना तभी मजा आती है पढ़ाने में, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। अगली चीज, हो सकता है आपके पास अप्लाइड मैथ थर्ड की बुक ना हो, इसके लिए आप परेशान हो रहे हो, तो मैंने आपके अप्लाइड मैथ थर्ड की PDF प्रोवाइड करने के लिए कहा है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मुझे बताइए, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर की PDF बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप सभी लोग उसको डाउनलोड करके हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इतना सारा सपोर्ट आप सभी लोगों को यहाँ से मिल रहा है, लेक्चर भी आपको फ्री में मिल रहा है, उसके बाद भी आप पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई, चाहते क्या हो आप सभी लोग? इस तरीके से प्रिपरेशन आप सभी लोग करना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको भी बताइए, उसका भी इलाज किया जाए, नहीं तो क्लास को बंद किया जाए भाई। और इसके अलावा क्या रास्ता भाई, फालतू में खड़े होकर के चिल्लाने से मतलब क्या है? आपके पास तक मैटर डिलीवर्ड हो, आपको चीज़ें समझ में आए, उसी में हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। तो आई होप आप हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी मन की जो बात है उसको समझेंगे, मेरे दिल का जो दर्द है उसको आप सभी लोग समझेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि इवन सेमेस्टर के रिजल्ट का बिना इंतजार किए हुए आप सभी लोग अपने और सेमेस्टर की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर दीजिए, कहीं भी किसी भी तरीके से। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने और सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और सुन, जो लोग स्टार्ट भी कर दिए ना, उस लेवल की स्टार्टिंग नहीं हुई जिस लेवल की स्टार्टिंग होनी चाहिए। आप ज़रा ये सोचो, अगर इवन सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया होता और आठ सेमेस्टर की क्लास आपकी चल रही होती आपकी स्कूल में, तो इस सिचुएशन में आप जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते होते या आपकी स्पीड और ज़्यादा बूस्टअप होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम उस तरीके से नहीं तैयारी करें जिस तरीके से हमें करनी चाहिए, तो आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से, नहीं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और बैक लगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपकी मार्कशीट आपके सर्टिफिकेट में दाग लग जाएगा, जिससे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएँ होने वाली हैं। बार बार मैं समस्या का नाम ले रहा हूँ, बार बार आप सभी लोगों को कह रहा हूं कि समस्या हो जाएगी, तो इसको आप यह मत सोचिएगा कि हम आपको श्राप देने की आपको समस्या हो जाएगी। हमारा मतलब बस इतना है कि मैं आप सभी लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप सभी लोगों को यह कह सकूं, यह मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को, डियर स्टूडेंट्स, तुरंत से तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। अब एक सेकेंड की भी देरी मत करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक आप सभी लोगों ने किसी लेक्चर को नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे सकता हूं, मैं दे दूंगा, और साथ ही साथ चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है आपकी फर्स्ट यूनिट की और सेकंड यूनिट की भी, मैं प्लेलिस्ट बना दूँ, उसको देख करके मेरे साथ स्टार्ट करिए, कॉपी ले लीजिए, बुक ले लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने जो जूनियर्स हैं उनको भी सजेस्ट करिए, उनकी भी क्लास में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इवन सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार ना करिए और सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर अप्लाइड मैथ थर्ड आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं सुबह 7 बजे आपकी क्लास को कंटिन्यू करूं, नहीं तो फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तब मैं आपकी क्लास को स्टार्ट करूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मोटिवेट हुए होंगे, जैसा भी होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ये शानदार रही और पढ़ते रहिए।